दीपक धनाधन, और दीपक धनाधन जी के बारे में बता दूं कि बहुत अद्भुत कवि हैं। अभी इनको चोट लग गई थोड़ी सी, एक फ्लाइट में आ रहे थे तो ऊपर से बैग गिर गया, इनके यहाँ चोट लग गई, तो ये दो दिन बल्कि हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे। तो हॉस्पिटल में जब एडमिट रहे तो एक नर्स जो है वो इनकी कविताओं की बड़ी प्रशंसक हो गई। अच्छा, दो दिन बाद इन्होंने देखा कि वो कहाँ गई नर्स, डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी ड्यूटी लेडीज वार्ड में लग गई। तो दीपक भैया बोले मुझे भी लेडीज वार्ड में शिफ्ट कर दो। तो डॉक्टर ने कहा कमाल है, आपको लेडीज वार्ड में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ शर्म नहीं आएगी? दीपक भैया बोले शर्म की क्या बात है, मैं तो पैदा ही लेडीज वार्ड में हुआ था। जोरदार एक बार तालियां बजाई दीपक जी के लिए, बहुत पूरे देश में हंसाने का काम भाई दीपक धनाधन करते हैं। भोपाल से हमारे बीच है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भाई दीपक धनाधन। बोल बाके बिहारी लाल की। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीवी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। हाय हाय। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कवि हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई बला को टालतू। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया एक बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा पांचवी बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है भ्रष्टाचार नहीं। वाकई में बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, सलूट करता हूँ। वृंदावन के लोग बड़े समझदार हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। वो मफतलाल जी मुझसे बोले, बोले दीपक धनाधन तुम भोपाल से आए हो? मैंने कहा जी भाई साहब। बोले याद रखना वृंदावन के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। यहाँ जैसे ही आया तो तन्मय जी मिल गए, स्वागत करते हुए धीरे से कान में बोले दीपक धनाधन जी। मैंने कहा भाई साहब बोलिए। बोले तुम भोपाल से आए हो? मैंने कहा जी। बोले याद रखना वृंदावन के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैं बैठा तो मफतलाल जी फिर आ गए, बोले भूल मत जाना तुम भोपाल से आए हो, वृंदावन के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि वृंदावन के सब लोग समझदार हैं कि कोई बेवकूफ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता। प्रतीक गुप्ता जी हमारे बीच आ गए मेरठ से। मेरठ से भी बुलाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार तालियां बजा दीजिए प्रतीक गुप्ता जी के लिए। कवियों की स्थिति बड़ी विकट हो जाती है भगवान कसम। अच्छा मुझसे बोले मफतलाल जी और दीपक धनाधन आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के उत्थान के लिए बड़े काम कर रही है। इनने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा। बोले यार तुम्हारी पत्नी जरूर जानवरों के उत्थान के लिए काम कर रही होगी लेकिन तुम में तो कोई सुधार ही नहीं दिख रहा। ये स्थिति हो गई। रसिक गुप्ता जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, मेरी भूमिका जमा रहे थे भगवान कसम। क्योंकि हालत कवियों की ऐसी है। भोपाल आए मेरे घर, मेरा 8 साल का बालक दरवाजे पे खड़ा, उससे बोले पापा हैं? उसने कहा हैं। ये बोले पापा को बुलाओ, उसने कहा पापा नहीं आ सकते। ये बोले क्यों नहीं आ सकते, क्या पापा खाना खा रहा है? उसने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं आ सकते, क्या पापा नहा रहा है? मेरा बच्चा बोला नहीं, मम्मी के हाथ में चप्पल है, पापा सिर खुजा रहे। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार धनाधन। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार धनाधन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार धनाधन। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते।
अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते, बड़े निठल्ले सांड हो गए, खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। तब इजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार धनाधन, वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार धनाधन। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। तो हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पिटाई। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुन टुन सी दमदार दनादन। हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुन टुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी, हिटलर का अवतार दनादन। वाह 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 वाह। मेरे मामा कहते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते चार दिना। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते चार दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता, अपने आ गए बिना पदक के, रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार दनादन। भाई कमाल, वाह। तो बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चट्टी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। वाह भगवान कसम, क्या शानदार सुन रहे हो आप लोग। वृंदावन में एक बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, एक बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। उस कवि को गुस्सा आ गई, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है जितने बैठे सब कसम खा के आए के ताली नहीं बजाऊंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल, धक्का मैं लगाऊंगा। कवियों की हालत खतरनाक हो जाती है। अभी तो आए थे हम, पिछली बार भी वृंदावन आया तो मेरे साथ विनोद भाई आए, विनोद पाल जी, बोले दीपक दनादन अभी तो कार्यक्रम शुरू होने में टाइम है, चलो अपन घूम के आते हैं, मेला लगा है। मैंने कहा चलो भाई साहब घूमते हैं। तो मैं और विनोद भाई घूमने चले गए, एक आदमी गधे को लेके खड़ा, उसने गधे के ऊपर एक शर्त लिख के रखी कि जो इस गधे का सिर बिना हाथ लगाए नामे हिला के दिखाएगा उसको 10,000 रुपये नगद इनाम दिए जाएंगे। हर आदमी ने कोशिश कर ली, कोई नहीं कर पाया। फिर विनोद भाई गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन नामे सिर हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने विनोद पाल से कहा कि मेरे बाप तूने इसके कान में कहा क्या? विनोद पाल बोले कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ इतना ही कहा, कवि हूं कविता सुनाऊं। अच्छा हमने दूसरा चक्कर लगाया तो पट्टे ने दो शर्त रख दी, जो इस गधे का सिर हां में हिलाएगा उसके बाद नामे हिला के दिखाएगा उसको 20,000 दिए जाएंगे। फिर सबने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर विनोद भाई गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन नामे सिर हिलाया, दूसरी बार कहा, फौरन नामे सिर हिलाया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने 20,000 दिए, सिर ठोक लिया, बोले अब क्या कहा? ये बोले कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा था, पहचाना। सुनाऊं? ताली जिंदाबाद। मैं तो सुनाऊं ना, अरे आज भड़ास निकालू मन की कोई तो समझाओ रे,
आज भड़ास निकालू मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। आज भड़ास निकालू मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है। सब नहीं बजाओगे तो यही गाता रहूंगा पूरे, दूसरे को आने नहीं दूंगा। सब बजाओ भाई साहब, आप पीछे हाथ, मतलब ठंड तो खत्म हो गई, गर्मी अब तो बजाओ। आज भड़ास निकालू मन की कोई तो समझाओ, भाभी जी आप भी नहीं बजाओगे तो मैं यही डांस करने लगूंगा। आज भड़ास निकालू मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। कोयल जैसी भाषा बोले कौए जैसे काम करे, कोयल जैसी भाषा बोले कौए जैसे काम करे। झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी। नकली घी में चुपड़ चुपड़ के रोटी देते हैं बासी। क्या बात है। अरे इनको चिंता नहीं वतन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। बड़े बड़े पंडाल लगा कर ज्ञान बांटते आप हैं। भगवान श्री राम की समस्या ये नहीं है कि अयोध्या में मंदिर बन रहा कि नहीं बन रहा। भगवान श्री राम की समस्या चार पंक्तियों में बताता हूँ, और वृंदावन वालों अगर लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक बात कही है तो पूरा समर्थन करना। बड़े बड़े पंडाल, हाँ शुरू हो जा। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया। रामचंद्र ये कहे सिया से बाबा नाम डुबोरिया। लाज लुट रही है भक्तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। योगी जी ने यहाँ अभियान चला दिया साहब, एंटी रोमियो प्रेमी प्रेम का पकड़ाए जाने लगे। एक जोड़ा परेशान होकर चला गया योगी जी के पास, बोले प्रेम पर पहरे क्यों लगाए। योगी जी का उत्तर, अगर वृंदावन के संस्कारों का उत्तर हो तो आप पूरा समर्थन करना, देखना चाहता हूं कि आप कैसा सुनते हैं। योगी जी ने उत्तर दिया कि प्रेम पर पहरे क्यों लगाए जाने लगे। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको यही गाऊंगा। इस युग के दीवानेपन में भाई साहब, इस युग के दीवाने भाई साहब, आप क्या पत्नी से मार खा के आए थे, बजाओ ना, क्या दिक्कत, बजाओ आप तो। अरे आप तो दाढ़ी वाले हो, आपसे तो उम्मीद ही नहीं कर सकता, आपकी शादी हुई होगी आप। हाँ, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, मजनू की औलादों में बस काम देव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरा बजा। और चार पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ क्योंकि समय कम है। स्वागत स्वागत स्वागत। मेरी ये चार पंक्तियां कभी पुरानी नहीं होती, और मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे विदा करते हैं। एक बयान आता है आए दिन के, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं। वृंदावन वालों, मैं भोपाल से आया हूं और भोपाली अंदाज में जवाब देता हूं, लगे कि वृंदावन की तरफ से जवाब है तो मुझे समर्थन पूरा करके भेजिएगा वापस, बैठना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कैसा समर्थन करते हैं। अरे बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं
को देशवासियों संविधान से तोलूंगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तोलूंगा। जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल की। वाह 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 भाई, कमाल दीपक भाई, कमाल कमाल, वाह वाह वाह, बहुत शानदार। कैसे रेक रहा है डंकी कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरा। आहा